गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतना ही आवाज है? ओके, आफ्टरनून चल रहा है, ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून। तो आ जाओ दोस्त, देखो हम लोग पूरा ना कलेक्टिव इकोनॉमिक्स एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ कौन वाला पार्ट? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, मैक्रो वाला पार्ट इसमें नहीं है, मनी बैंकिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ इको का पार्ट। आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन वन पे आए, आ जाओ क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट बेंच, क्वेश्चन यहाँ है दोस्त, बाहर थोड़ी है क्लास के, यहाँ है। हाँ क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? कह रहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाँ बोलिए बोलिए, इज जनरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टी लीफ इंडस्ट्री, चाय की पत्ती जो इंडस्ट्री है, सिगरेट, टेलीविजन। अच्छा मोनोपोलिस्टिक का कैरेक्टर क्या पढ़े थे? सब लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। अब जैसे आप टी इंडस्ट्री ले लो, आप ले लो जैसे ताजमहल, रेड लेबल, टाटा टी, है ना, सबका हाँ क्या हाँ सबका थोड़ा थोड़ा क्वालिटी की हाँ कंपनी है अलग है। सिगरेट ले लो आप, हर कंपनी कहने को तो सिगरेट बना रही है लेकिन सबका फीचर्स क्वालिटी स्लाइटली डिफरेंट है। टेलीविजन, भाई कहने को तो टेलीविजन है लेकिन सबका कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। ओके चल, आप लोग को बोलना नहीं है, जिनके लिए क्वेश्चन होगा उन्हीं को बोलने दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए, फर्स्ट बेंच सेकंड आपके लिए। हाँ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, नो हेल्प, लॉ ऑफ हाँ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल ने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, सॉरी एडम स्मिथ ने दिया, मार्शल ने दिया, लिप्से या केन्स, किसने दिया? मार्शल। आप लोग एग्री हैं सर? राइट आंसर क्या होगा? मार्शल, वेरी गुड। चलिए इस कॉलम में सोनाली बेटा क्वेश्चन देखना। इन शॉर्ट रन विच ऑफ दीज इज नोटिस, शॉर्ट रन में हम लोग क्या नोटिस करते हैं? ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल या ऑल कॉस्ट आर फिक्स्ड, सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, या डी लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल, क्या होगा? पक्का सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम आर, कि ऑल कॉस्ट आर फिक्स्ड? वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय, कॉन्ट्रैक्शन आपको याद है ना? याद होगा, हाल में अभी सप्लाई पर भी रिवीजन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हुआ? उनसे पूछा गया। हाँ बच्चे प्लीज बेंच हिलाइए नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है याद कर लीजिए, तुरंत जवाब मिल जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? अच्छा ऑनेस्टली आप लोग जजमेंट कीजिए, क्या इस बात पर ये गुस्साने वाला बात है कि नहीं? क्या ये क्वेश्चन लिटरली कहीं से भारी है? आप ट्वेल्थ में भी इस बात को कितना बार पढ़े होते हैं, फाउंडेशन में हमने कितना बार आपको पढ़ाया, सब किसी को पता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ एक ही कारण से होता है, प्राइस के कारण। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों? तो कीमत बढ़ी होगी। आप सच में मजाक कर रहे हैं? अगर आपको ये नहीं पता है तो इको के साथ मजाक चल रहा है फिर। अच्छा लोग राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जैसे ही कीमत बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कीमत घटेगी
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, इससे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सानिया आपके लिए ये क्वेश्चन. By scarcity of productive resource, we mean, क्या मतलब निकल रहा? पक्का restricted supply नहीं हो सकता है? बिल्कुल सर, resource की अगर scarcity है तो supply क्या होगा? Limited होगा. Very good. लगता है ये आसान question भेटा गया, मजा नहीं आया. Question number 6 भी तुम्हारे लिए. Skill लाए हो ना? Skill है ना? ठीक है. इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई क्या हुआ दोस्त? क्वेश्चन सुनना. इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई फॉलोड बाय फॉल इन डिमांड विल कॉजेस, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? मतलब मार्केट सप्लाई बढ़ गया और मार्केट डिमांड फॉल कर गया, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जल्दी से सोच. नहीं क्लियर हो रहा है, डायग्राम बनाकर देख लीजिए. मार्केट सप्लाई को राइट शिफ्ट करा दीजिए, देखिए, और डिमांड को डिक्रीज कर दीजिएगा तो किधर शिफ्ट कीजिएगा? लेफ्ट की तरफ. देखिए ना क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायग्राम बनाकर देख लीजिए ना. क्या होगा? आप एक बार डायग्राम बनाकर देख लीजिए. सी होगा. आयुष क्या होना चाहिए? हाँ, आयुष का कहना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल. क्या ए इक्विलिब्रियम प्राइस टू राइज? कुमकुम ए इक्विलिब्रियम प्राइस टू राइज कैसे? डायग्राम पे बना के देखा आपने? तो कैसे जज किया आयुष? कैसे जज किया? इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ना, कहां से कहां ले जा रहे हो? वो तो सिर्फ थ्योरी ऑफ सप्लाई में है ना. इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड. कॉजेस इक्विलिब्रियम प्राइस टू फॉल, राइट आंसर होगा बी. बच्चे बेंच हिल रहा है, बच्चे थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज. हाँ कोई फायदा है ना? नहीं भी आया तो छोड़ दीजिए. बात कितना भी मेहनत कर ले, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं. देखो कहां मिस्टेक किए, अब इसको समझो. देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान दिया तुमने? पूछता है इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई फॉलोड बाय फॉल इन डिमांड, किसके कारण हुआ है? तो मार्केट डिमांड, सॉरी मार्केट सप्लाई जो इंक्रीज हुआ, मार्केट डिमांड फॉल करने के कारण, तो कॉजेज ऑफ इसका क्या कॉज? इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा. समझे सिचुएशन को समझना. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 किनको दे दें? आयुष को. डिमांड कर्व ऑफ गिफ्ट गुड्स कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग. क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होगा? ये एक्सेप्शन में आता है. देखो दोस्त, सबसे पहले कि गिफ्ट गुड्स जो है, आयुष ने सही कहा, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है. और एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व हम लोग बनाते थे वो तो ऐसे बनाते थे. इसका मतलब ये कौन सा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है ना. तो पॉजिटिव तो ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है,
तो एक ही मिल रहा है क्या, अपवर्ड स्लोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। बोलो सबको याद था, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद है हम क्या क्या पढ़े थे, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, गिफ्ट एंड गुड्स, नेसेसिटीज इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, वेबलन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और भी बहुत सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बिल्ली कहां से आई भाई, अच्छा बाहर है। बाबू रे आप बेंच चेंज कर लो, वो आप आदत से परेशान हो, बार बार हिला दे रहे हो, वो बोल रहा है पैर मुद्रा किया फिर उस बेंच पे ही पैर रख देते, आप इधर आ जाइए, क्या कीजिएगा, आपके साथ भी बहुत कष्ट, आइए इधर आइए, इस पे बैठिए, इतना लंबा टांग है कि निकाल दी, तो बैठिए छज्जा पे रख के बैठिए, आराम से बैठिए आगे बेंच पे। सोती होगी तो छज्जा पे पैर रख के सोती होगी। चलो ये क्वेश्चन किसको दे दें, क्लास में जो चूजा है सबसे। चलो क्या नाम है उसका, चूजा का, ये हाँ पूर्णिमा, ठीक है, हम अभी उर्मिला बोल रहे हैं। चलो पूर्णिमा जी आ भाई, ये वाला क्वेश्चन जल्दी बताओ, तो आप लोग कुछ नहीं बोलना, उनको देखना कितना याद है, बस आप लोग अपने मन में जो भी आपको आंसर रखना है। पूर्णिमा क्वेश्चन सुनिएगा, ओलिगोपोली ऑफ मार्केट इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कंपटीशन अमंग फ्यू, कंपटीशन बिटवीन टू, कट थ्रोट कंपटीशन, या नो कंपटीशन एट ऑल। ऑप्शन ए कंपटीशन अमंग फ्यू, पक्का याद है आपको कि तुक्का मार रही है, अकड़ बक्कड़ याद है, वेरी गुड। हम लोग पढ़े थे ना दोस्त, ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं और उनके बीच बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है। तो चलिए राइट ऑप्शन ए, नहीं नहीं कट थ्रोट का, हाँ एकदम मतलब हेट टाइप का, राइवल टाइप का बिजनेस नहीं होता है, जैसे फिल्म वगैरह में कैसे दिखाया जाता है, बिजनेसमैन एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं, उस टाइप का लगता है, जैसे कि पर्सनल खुन्नस हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 किन पे शिफ्ट करें, सफकत, स्केल लाए हो ना, क्या देना तू सफकत, क्वेश्चन नंबर 9 बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन साइकिल विल टेंड टू कॉजेज ऑफ, बिजनेस साइकिल याद है, ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, कॉन्ट्रैक्शन, लग रहा है ना हल्का हल्का दिमाग पे कि ऐसा कुछ था एक दिन, सर बहुत इस पे भौके हैं, हाँ ओ माय गॉड बहुत सुंदर लाजवाब आंसर। चलो जल्दी बताओ बिजनेस साइकिल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इकोनॉमी में क्या क्रिएट कर देगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ती है इकोनॉमी पर, तीनों होगा, वेरी गुड इज राइट। जब भी बिजनेस साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना दोस्त, तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है, महंगाई हाँ फॉल करती है, तो ऑल ऑफ दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देवजीत, बहुत देर से रिमांड में नहीं आया देवजीत, क्वेश्चन सिर्फ देख लेना भाई अच्छे से, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, फिर से इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द सप्लायर एक्सपेक्ट, सप्लायर क्या एक्सपेक्ट करता है दोस्त, आप लोग नहीं बोलना, उनको पहले देखने देना, हाँ क्या बोले देवजीत, बी क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज, भाई मेरे सप्लाई का क्वेश्चन है तो तुम पहले तो बहुत
पहले तो तुम्हारा ऑप्शन ए ऑप्शन भी ऐसे कट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सप्लाई से है। क्या यार, आयुष वेरी गुड। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस सप्लायर एक्सपेक्ट करेगा कि क्वांटिटी सप्लाइड को वो क्या कर दे, है ना दोस्त, कीमत घट गई है तो वो कम बेचेगा ना। क्या यार, तो सोचते ना सप्लाई का क्वेश्चन है तुम ऐसे भी पकड़ लेते कि सप्लाई का क्वेश्चन है तो डिमांड और ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन भी ऐसे भी तो तुम समझ सकते थे ना यार, थोड़ा तो एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलो चलो बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कॉजेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको याद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस चैप्टर में हुआ है, किसमें? हमको लगता है मार्केट चैप्टर, देखिए ना कह रहे, चैप्टर का नाम नहीं याद है, लेकिन मार्केट मार्केट आपको जब पढ़ाए थे तो प्राइस, हाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बताओ बच्चे जल्दी बताओ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का तुमको कॉजेस क्या दिख रहा है? ए बाबू, आप क्वालिटी में डिफरेंस अगर लोगों के साथ कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सैशे में शैम्पू देते हैं उसकी क्वालिटी दोस्त उतनी अच्छी नहीं होती जो डब्बे वालों में शैम्पू होती है, डिस्क्रिमिनेशन है दोस्त। आप देखिएगा कंपेयर करके, there is a difference in quality. अच्छा, एक भेदभाव, tax differentiation. सर आप अलग अलग क्लास के लोगों से अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है देखिएगा, ये क्वेश्चन किनको दे रहे हैं? क्या तुरंत में क्वेश्चन देखा और कैफ की तरफ इशारा करके शिफ्ट करवाया? डैश हैज अ फ्लैट सप्लाई कर, कौन किसका जो सप्लाई कर है वो फ्लैट है, इसने जानकर फ्लैट कहा। अगर ये एक वर्ड यूज कर लेता इलास्टिक और इनइलास्टिक तो तुमको याद आ जाता, इसलिए उसने यूज नहीं किया। अब उस पर दिए हो तो उसको बोलने दो, तभी तो मजा है, मारू खाएगा पिटाएगा। चलो जल्दी बताओ, पक्का? हाँ सर, जो जमीन होती है ना, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका सप्लाई कांस्टेंट है, इसी को कहता है सप्लाई, सॉरी फ्लैट सप्लाई कर। राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। अच्छा आपको याद है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा रहे थे तो असाइनमेंट में टॉपिक था, याद आया कुछ? क्या याद आएगा सर, हम लोग को ओ, ये पासवर्ड इतना कुछ याद रखना होता, फेसबुक का, इंस्टाग्राम और फोन का लॉक, कितना याद रखेंगे सर, अकाउंट का पासवर्ड, आपको बात याद रखेंगे। आगे बढ़े तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये क्वेश्चन किनको दे दे? देवजीत को। क्या तुम तो फंसा थे देवजीत, देवजीत क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है। डैश रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स विथ वन रिलेटेड वेरिएबल विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड। चलो ऑप्शन क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ सप्लायर बिहेवियर। पता नहीं डी वाला लॉ कहां से लाया है। क्या होगा देवजीत? हाय रब्बा, ये तो कितना भारी टॉपिक दे दिया, दैया रे दैया। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड है महाराज, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, यही लॉ में पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे? एज प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड increases, other factor remain constant. Indirectly उसने वही लिखा है, one related variable, यानी वो indirectly price की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो खुल के बोल देता तो तुम समझ जाते, उसने price को ही कहा one related variable, मतलब सिर्फ एक में change हो रहा है, वो है price, the law of demand. Right answer क्या होगा?
ए लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ये क्वेश्चन चूजा वाला था, देवजीत के लिए सब कुछ है ही नहीं, वो तो नींद में भी बना देगा, सो के उठेगा भी तो बना देगा। 14 नंबर, क्या बोलते हो? देवजीत के लिए अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई। 14 नंबर, देवजीत याद है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, रिटर्न टू स्केल में। वेरी गुड, अब आ गए जगह पर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इन लॉन्ग रन डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अराइजेज ड्यू टू, ऑप्शन ए हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन बी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी फर्म कॉम्पीट फॉर लेबर फोर्स एंड पे मोर वेजेस एंड फर्म बाय रॉ मटेरियल इन ग्रे मार्केट एट हायर प्राइस। ए बी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Do you agree, everyone? हमको तो नहीं पच रहा है, आप लोग को भी नहीं पच रहा है, ठीक है। तो क्या आपका क्या विचार है? डी होगा, वेरी गुड कैफ। चलिए कुमकुम, आपके अकॉर्डिंगली डी। चलिए कुमकुम और कैफ डी कह रहे हैं, के फॉर कुमकुम, तुमको याद रहना चाहिए पीटना किसको किसको है, के फॉर कैफ हुआ। हाँ सानिया, व्हाट इज योर ओपिनियन लेडी? जल्दी लेट मत करो, डी। चलो एस फॉर सानिया, डी होगा। एस फॉर सुगुप्ता, सोनाली, हाँ सलोनी, क्या होगा? सलोनी अकड़ बकड़ करेगी, जहां रुकेगा वही आंसर। जल्दी बोल, लेट मत कर, देखो गिनती कर रही है अकड़ बकड़। डी बी, अच्छा तो पतली लंबी है ना, यस। चुजा, क्या नाम है? हाँ पूर्णिमा देवी, जल्दी बताओ। आयुष बी, आयुष ए फॉर आयुष, टा टा। अब जल्दी से स्केल दे दो। हाँ ये बताओ, दिस इकोनॉमिक्स उस सिचुएशन को कहते हैं जब आउटपुट गिरने लगता है। आउटपुट गिरना इसका मतलब कब ऐसा होगा? जब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, हमारी लागत बढ़ने लगेगी तो प्रोडक्शन गिरेगा। देवजीत 100% सही था, तुम लोग हमेशा उसको संदिग्ध लेकर चलते हो, वो तो हम जान के माहौल बनाए थे। चलो चलो क्या स्केल दो। ना ना वो देख रहे थे अपने आंसर से हिल नहीं रहा था, और वो असाइनमेंट पे पहले कंफर्म किया। तुम देवो को ओ देखो, जल्दी स्केल दो। हाँ लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ। हाँ पहले तुम ही हाथ लाओ। एक ही में तो आओ सबका, जल्दी आओ। क्या तुम लोग को बोला नहीं जाता है? कितना कॉन्फिडेंस है तुम लोगों में, असाइनमेंट निकाल के जल्दी से कंफर्म हो पहले। जल्दी आओ कुमकुम, जल्दी आओ, ये तो दस्ताना पहन के आती है। गलत सलत। चलिए हाँ हाथ लाइए ऊपर, बदमाश। फिर
फिर भाग रहे, रुको लग जाएगा, फिर फिंगर उंगली कट जाएगा। चलो पढ़ाई लिखाई साथ, इधर आओ इधर आओ, मोतिहारी से भेजा गया पटना, इनको देखिए, इधर आओ। इनसे भी पूछे थे ना जी, अच्छा भी बताई थी, मरीज से पूछा गया है। पढ़ाई लिखाई साढ़े बाईस, नाटक नहीं, नाटक नहीं, एकदम हिल गया। हाँ अपनी गलती से दो लगा, तुम एक ही बार में ठीक से खा लेती। हाँ अब पढ़ाई होगा, लेकिन एक आदमी छूट गया सबका, अब जबरदस्ती रुको ना, फिर क्वेश्चन आएगा। देखो हैट्स ऑफ यू यार, तुम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इस कंटेंट को पकड़ लिए। डिस इकोनॉमिक्स हुआ है, मतलब वो सिचुएशन जहां आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ रहा होगा। शाबाश। अच्छा जानते हो, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे क्रिएट किया जाता ना कि कॉस्ट बढ़ रहा है, तो तुम तुरंत पकड़ लेते कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। उल्टा बोला गया, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अच्छा प्रोडक्शन को डायरेक्ट नहीं बोला कम हो रहा है, डिस इकोनॉमिक्स क्रिएट कर दिया। डिस इकोनॉमिक्स में नेगेटिव चीजें हावी हो जाती है, आउटपुट गिरता है। तुमको बुरा लगा? लगा भी तो हम आपके लिए मारे, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब जल्दी से असाइनमेंट निकालिए सब लोग, और फटाक से देखिए क्या था उस पर। देखो बैठ ही रह गई, तुम्हारा भी नंबर था ना, चलो नहीं नहीं, अच्छा उससे नहीं पूछे थे। जल्दी जल्दी फटाक से, प्रोडक्शन फंक्शन में मिलेगा सरकार, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में। इतना जल्दी जल्दी आप लोग भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। देवोजीत आगे का क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख रहा है, पूरा डरा रहता है। कुछ नहीं आयुष बाबा, कुछ नहीं, आगे चलें, आ जाओ, सबने कंफर्म कर लिया, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। विच ऑफ दीज इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्त हमको लगता है इकोनॉमिस्ट तो सब टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 सबकत के लिए, क्या ठीक है? जबरदस्त है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प्स द फर्म इन चॉइस ऑफ साइज ऑफ प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक आउटपुट एट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वेरी गुड, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, शाबाश। दिमाग पूरा तेज दौड़ा रहा है लड़का। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉबैक ऑफ मोनोपोली इंक्लूड्स, मोनोपोली का क्या क्या ड्रॉबैक है दोस्त? हमको लगता है आप आराम से बता दोगे, आपको दिख रहा है ऑप्शन, कंज्यूमर वेलफेयर लॉस, लेट्स टू एलोकेट इनएफिशिएंसी, हाँ पैसों की बर्बादी भी बहुत करते हैं ये लोग, राइट ऑप्शन। एटीन तो बता ही दोगे, इसमें कोई बहुत तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, एटीन में, नाइनटीन में होगा, एटीन आप बता दोगे, एटीन में कोई दिक्कत नहीं आएगा।
19. Question number 19. कौन बताएगा 19? आयुष बताएंगे? हाँ कैफ बताइए. कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल. कुमकुम बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक है मारेंगे नहीं इस क्वेश्चन के लिए. सानिया क्या होना चाहिए बच्चे? कैफ ने एकदम सही कहा. सी हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में आप जितना इनपुट बढ़ाओगे उतना आउटपुट बढ़ेगा. मैंने इनपुट को डबल कर दिया आउटपुट डबल हो गया. लेकिन जब तुम बी बोली ना इंक्रीजिंग में हम लोग ये पढ़े थे इनपुट से जब ज्यादा आउटपुट बढ़ जाए वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. आपको याद होगा मैंने बोर्ड पे डायग्राम बना के आपको बताया भी था. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए. वेरी गुड. कोई दिक्कत? देखो आप सोचोगे ना कि तुम सीधे उसी लैंग्वेज में चीजों को रखे कि आपको याद आ जाए, तो ऐसा नहीं है. आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. अप्लाइड इकोनॉमिक्स है सर. इकोनॉमिक्स के रूल्स का हमको एप्लीकेशन करना है. तो हमने पढ़ा है कि इनपुट डबल मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, जितना इनपुट बढ़ा है उतना ही आउटपुट बढ़ा है. वो सीआरएस है. याद आया जी कुमकुम? ठीक है लो 20 नंबर क्वेश्चन दोस्त. एकदम झकास क्वेश्चन. एवरेज रिवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट बैकवर्ड स्लोपिंग कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है दोस्त? हमको नहीं पता, जल्दी से बताओ हमको. स्पेसिफिकली नहीं पूछे, ऐसे कलेक्टिवली पूछे. वेरी गुड. हम पढ़ाए थे ना सर आपको कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में एआर कर्व और एमआर कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? डी डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेकिन आपने नोटिस किया एक जगह से आंसर आया था बैकवर्ड स्लोपिंग. सानिया के साथ नहीं क्या था? अच्छा खैर जो भी है बट एक जगह से आंसर आया था बैकवर्ड स्लोपिंग जो कि टोटली गलत था. हमको लगता है सबकत बोल के बैठा हुआ. अच्छा इससे पूछे थे तो दोस्त डाउनवर्ड स्लोपिंग ना इतना बार डायग्राम में पढ़े थे कि एआर कर्व और एमआर कर्व क्या होता है. पूर्णिमा तुमको आज कुछ रियलाइज हो रहा है? हम क्यों कहते हैं इतना एब्सेंट मत करो. तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट करना और नॉलेज का एप्लीकेशन करना दो अलग चीजें होती है और वो समय देने पर ही इंसान सीख. लेकिन तुम तो टाइम देती नहीं हो. तुम तो पार्टी को टाइम देती हो. पार्टी डिस्को मुजरा पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा सब जीवन में. चलो क्वेश्चन नंबर 21. आइसोकॉन आइसोकॉन. अच्छा रुक जाइए एक मिनट. देखिए क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव अपना कहां से पूछा गया? तो आइसोकॉन्ट से. आइसोकॉन्ट क्या है? आपको याद है जब आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते थे तो वहां एक था एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड इनकम को सब्स्टिट्यूट कर देता था जब उसे अगले गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाना होता था. याद है आपको ये टॉपिक? हाँ आईसी जब हम आपको पढ़ा रहे थे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस तो वहां ये बात पढ़ाए थे. पहले दिमाग शांत करके याद कीजिए. इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपको पढ़ाया गया होगा कि कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड होता है. जब वो दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को कम करना पड़ता है ना, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन.
तो सुनिए मेरे भाई, प्रोड्यूसर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर के पास जो इनकम है वो क्या है? लिमिटेड इनकम। अब लिमिटेड कैपिटल में उसको प्रोडक्शन करना है, तो अगर वो चाहता है कि किसी और गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसे रिसोर्स को कम करना पड़ेगा ना। तो देखिए, आइसोकॉन्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ? आइसोकॉन्ट का मतलब हुआ इक्वल, अकॉन्ट का मतलब हो गया क्वांटिटी। तो वैसा अप्रोच जो इक्वल है, तो ये अप्रोच क्या बोलता है देखिएगा। एन आइसोकॉन्ट इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। जैसे आप वहां पढ़े थे ना कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को दो गुड्स पे खर्च करता है और सेटिस्फैक्शन को क्या पाता है, इक्वल। वैसे ही इस टेबल से देखना, एक प्रोड्यूसर है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है और वो चाहता है गुड्स प्रोड्यूस करना। कितना यूनिट बनाना? कितना? 100 यूनिट प्रोड्यूस करना। उसने क्या किया? उसने एक 10 कैपिटल और एक लेबर का कॉम्बिनेशन बनाया। अब वो चाहता है क्या करना कि कॉम्बिनेशन को चेंज करना, तो वो क्या करेगा, या आउटपुट को बढ़ाना, तो वो कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, चेंज किया। या मान लो उसके पास कैपिटल कम है, तो उसने लेबर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वो अपने एक इनपुट को कम कर रहा है तो दूसरे इनपुट को बढ़ा रहा है ताकि प्रोडक्शन सेम हो सके। जैसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ, वैसे प्रोड्यूसर का सेम आउटपुट। समझे? तो आइसोकॉन्ट क्या है? आइसोकॉन्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोड्यूसर अपने एक इनपुट को डिक्रीज करता है तो दूसरे इनपुट को इंक्रीज करता है ताकि वो कांस्टेंट प्रोडक्शन कर सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके जितना वो करना चाहता है ना। देखिए, तो आइसोकॉन्ट अप्रोच का क्या मतलब हुआ? आइसो मींस इक्वल, क्वांट मींस क्वांटिटी। मतलब वो अप्रोच जिसमें हम इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके। अब तुम ही सोचो ना यार, हो सकता है मेरे पास 10 कैपिटल था और एक लेबर था, एक समय के बाद मेरा कैपिटल कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, लेबर बढ़ाते। अब पढ़िए क्या बोलता है आइसोकॉन्ट कर्व। आइसोकॉन्ट कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब कैपिटल और लैंड, या लैंड और कैपिटल, विच यील्ड अ सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्शन कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। आपको यहां एक और ऑब्जेक्टिव मिला, आइसोकॉन्ट इज ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्शन कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व, है ना। अच्छा, आपको याद है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जब हम लोग इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते थे, तो वहां हमने पढ़ा था इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट। यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्स्टेंट। वहां इनकम ऑफ कंज्यूमर कॉन्स्टेंट था, ठीक है। टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ कितना फैक्टर पढ़ा जाता है, दो फैक्टर, हाँ, लेबर और कैपिटल। बोलिए, आपको लगा क्या बहुत भारी है? आपको याद है आपने पढ़ा था इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि रिसोर्स कॉन्स्टेंट था कंज्यूमर के पास, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। वैसे ही हम कहेंगे आइसोकॉन्ट स्लोप्स, बस फर्क इतना है कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट था, प्रोड्यूसर के पास कैपिटल कांस्टेंट, है ना। याद है आपको, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर आईसी क्यू, सॉरी हायर आईक्यू शोज हायर लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। आप पढ़े थे टू इंडिफरेंस कर्व ऑफ सेम कंज्यूमर नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, पढ़े थे ना, टू आईसी नेवर टच, सॉरी इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस, क्योंकि अगर वो एक्सिस को टच करेगा तो एक गुड्स क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे ही आईक्यू अगर एक्सिस को टच करेगा तो एक इनपुट क्या हो जाएगा, जीरो। याद आ रहा है? तो सेम फीचर्स यहां भी अप्लाई, सेम फीचर।
ओके चलिए, अगर नहीं दिमाग में याद आया होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में एक दिन इस टॉपिक को पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए हम रिकॉल कराए थे, वापस चलते हैं हम लोग, चले ना। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 21 नंबर क्वेश्चन पे थे। आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस इज मेजर थ्रू स्लोप ऑफ आइसोकोर, क्या इसमें से मेजर होता है? चला जाए तो मार्जिनल प्रोडक्शन, नहीं सर। मैक्सिमम प्रोडक्शन, नहीं सर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसको और बेहतर होता अगर ये लिख देता मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। खैर, सेंस तो क्लियर है। कोई दिक्कत? हाँ भाई, जिससे पूछ रहे वो खुद मार खा चुका है, अभी तो जस्ट वो भी खाया है कुछ देर, तो तुम्हीं से पूछ रहे मार लगा, ठीक है, वो तो कोई बुरी चीज के लिए थोड़ी लगा है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन तुमसे ही है क्योंकि तुम नहीं ना थे, अब तुमसे ही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, क्या यूज, ठीक रहेगा? चलिए, हाँ बताइए ना सर, सब इंतजार कर रहे कि आप गलत बोले। हमको क्या पता, कहता है प्राइस इंक्रीजेस सप्लायर एक्सपेक्ट, इनडायरेक्टली नहीं है, घुमाकर टॉपिक पर ला रहा है। क्वेश्चन सप्लाई का और आंसर तुम दो के डिमांड का, नहीं। अरे ऑप्शन डी तो सही आंसर है ही, लेकिन तुम गलती तो किए हो तो। ना ना ना, लाओ स्केल दो, क्वेश्चन चेंज करना है, कोई बात नहीं। 24 नंबर नहीं पूछेंगे, क्या गलत है? लाओ लाओ स्केल दो, नहीं तो फिर हम पे पार्शियलिटी खेल सकते। अच्छा मतलब ये गेम के अगले क्वेश्चन में मार खाएगा, छोड़ो ना इन लोग का मन नहीं, जल्दी दो मेरे पास है। हाँ लगा नहीं चोट, तो तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ तुमको मारे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 किसके लिए, सबका, कैसा रहेगा, तुम लोग एग्री हो? इन शॉर्ट रन व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, क्या बोलेगा? नहीं, नो हेल्प, हो सकता तुम गलत भी बता रहे पिटवाने के लिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, इन शॉर्ट रन, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, डी, डी फॉर डॉग, कुत्ता, डी, वही ना, और यही ना महाराज, क्या होगा राइट आंसर? शॉर्ट रन में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता है ना, डिक्रीज होगा ना जी, क्या बात कर रहे हो? एक यूनिट रहा फिक्स कॉस्ट 10, अब देखो दो यूनिट एवरेज फिक्स कॉस्ट 10, 5, तीन यूनिट रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.33, क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम, तो राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताओ? बी। अभी तक जो है सुधार नहीं हुआ है, ए?
हाँ क्वेश्चन नंबर 26 तो इजी है दोस्त, ये तो किसी से भी पूछेंगे तो बता दोगे। देवजीत से लो, सब अब चाहता है कि तुम पिटा जाओ। देवजीत, इन शॉर्ट रन विच ऑफ दीज कॉस्ट रिमेन, रॉ मेटेरियल कॉस्ट, प्लांट डेप्रिशिएटेड, पावर एंड फ्यूल, क्या होगा? हाँ, Which of these cost remains same? A number. आप लोग अपना विचार रखिए, बाद में हम लोग जज करेंगे कि देवजीत सही है या गलत है। चलिए यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट बेंच से। सोनाली, शॉर्ट रन में इसमें से कौन सा कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा? रॉ मेटेरियल, प्लांट डेप्रिसिएशन, पावर एंड फ्यूल, वेजेस ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स, क्या होगा? डी, वेजेस ऑफ डेली रेटेड वर्कर, शॉर्ट रन में रिमेन सेम होगा। अच्छा ठीक है, कुमकुम, ए रॉ मेटेरियल कॉस्ट, रॉ मेटेरियल प्राइस बोलता है तो हम एक मिनट मान भी लेते हैं, उसने रॉ मेटेरियल कॉस्ट कहा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। हाँ रॉ मेटेरियल कॉस्ट, वेजेस ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स, यही तो खेल है, यही तो आपके नॉलेज का टेस्ट है। देखो भैया, तुम लोग नहीं बता पाए, एक बच्ची है जो क्लास में अल्ट्रा लेजेंड बता दे, कौन? पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, इसका अक्कड़ पक्कड़ एकदम लड़ जाता है, अक्कड़ पक्कड़ करती है, आंसर मैच कराती है। चलो बाबा जी, चलिए तो अक्कड़ बक्कड़ करके मैच कराइए, तो ऑप्शन डी। सुनो दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट रन में रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं सेम हो सकता, अगर हम प्रोडक्शन को प्राइस बोलता तो होता ना, हम प्रोडक्शन को अगर चेंज करते रहेंगे, घटाते बढ़ाते रहेंगे तो कॉस्ट चेंज होता रहेगा। फ्यूल डिपेंड करता है कितना काम हुआ है उस पर, वेजेस ऑफ जो है डेली रेटेड वर्कर्स, सर ये भी चेंज होगा अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को फ्लक्चुएट करेंगे, डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो जो लगना है से लगेगा। हाँ क्या चीज, ऐसा पढ़े हैं कभी? वो तो जो है रेट है, एक साल का अगर इतना लगना है तो उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन हो या ना हो। बोल्ड कर देगा आपको, अच्छा से सवाल काट देगा। देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन, कितना टाइम हो रहा है? 3 बजे सर है। अच्छा क्या तुम सेंड नहीं किए टेलीग्राम पे? भेजना शुरू करो ना उसको प्रोसेस में। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ मोनोपोली फर्म, कौन बता दोगे दोस्त? हाँ क्या होगा? सर जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट इसने सिर्फ प्रॉफिट बोला है तो ऑप्शन तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के। इंडिविजुअल में आ जाएगा, चैनल पे नहीं आएगा, इंडिविजुअल भेजो पर्सनल। चलिए हाँ 28 नंबर पे आइए, ये क्वेश्चन किनको देते हैं? आपके लिए, अच्छा देवजीत के लिए। देवजीत, जनता चाहती है कि आप जवाब दें। हाँ वो जान के तुमको एक क्वेश्चन दिलवाया है। हाँ क्या बोले देवजीत? बी शटडाउन पॉइंट। अच्छा देवजीत का कहना है कि शटडाउन पॉइंट होगा, सुनना जी। नहीं होगा, आयुष
सर जब हम अपने धंधा में सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पाते हैं तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है, शट डाउन पॉइंट। हैट्स ऑफ यू देवो, क्लैप फॉर हिम। जलन का पुआ रहा है इस क्लैप से, धीरे बजा रहे हो। बस क्या यार, तुम लोग इतना लोग कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? साफ कह रहा है जो प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हम सिर्फ अपना वेरिएबल लागत ही निकाल पा रहे हैं तो धंधा को हमें बंद करना पड़ेगा ना यार, शट डाउन पॉइंट ना। मार्केट चैप्टर में नहीं पढ़े हैं? एकदम नालायक हो यार तुम लोग, तुम लोग को गिरा देंगे हम ले जाके कहीं। क्या बोले हम, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पे एंड करते हैं, सुनते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन किनके लिए है, देखिएगा क्या आंसर आएगा। आउटपुट एंड कॉस्ट पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन देख लिए, वॉट इज फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है छोड़ो, ये बताओ, लो हटाते हैं इसको। फिक्स कॉस्ट क्या है, कोई नहीं हेल्प करेगा सुगुप्ता के लिए? फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 53, 15 या 30 क्या होगा, या 40 क्या होगा, 53। हाँ जल्दी बोलो, ए आप कंफर्म हो, पक्का एक्सप्लेनेशन दो तो सबका, क्या होगा फिक्स कॉस्ट भाई? ए बिल्कुल सही सर, जीरो जीरो आउटपुट पर जो कॉस्ट लगता है वही फिक्स्ड कॉस्ट होता है। आप इतना डाउट और संदिग्ध वे में आंसर क्यों दे रहे थे सर? इस आंसर के लिए तो 200% आप श्योर रहोगे। चलो तो देखो, अभी तो रैंडमली हम 37 पूछ लिए, हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, और कुछ क्वेश्चंस है तो लॉ सर वेट कर रहे हैं आपका, और आप कंटिन्यू कर लीजिए जाकर, इतना रहने दें, कोई दिक्कत? चलिए थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिए हमको, कोटि कोटि प्रणाम इसके लिए, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर।